हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ऑल वन डे एंड अदर एग्जाम चैनल पे। तो इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं काफ़ी अच्छी न्यूज़, जो आपको मैं बताऊंगा कि आप सभी के लिए तकरीबन इस बार 2020 में आप सभी को 4000 से अधिक शिक्षक और प्रधानाचार्यों की भर्ती होने वाली है। ये एडिट कॉलेजों में होने वाली है। तो दोस्तों, मैं आपको इसी बारे में जो न्यूज़ है मैं आपको चलते दिखाता हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि मेरा जो काम है न्यूज़ बताना, न्यूज़ भर्ती ना निकालना, ना देना, ना कुछ करना, ठीक है। अगर आपको न्यूज़ अच्छी लगती है और हमारी जानकारी अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो पसंद लाइक करना, आपसे डिसलाइक करें। तो चलिए, हम आपको जो न्यूज़ आया है मैं दिखाता हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों। लाल बटन को दबाएं और सब्सक्राइब करें हमारे इस YouTube चैनल को, और इस बगल वाली घंटी को बजा दीजिए और हमारे चैनल से आप जुड़े रहिए। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं यह जो न्यूज़पेपर में दिया गया है कि एडेड स्कूलों में 4000 शिक्षकों की भर्ती जल्द कराई जाएगी। आप देख सकते हैं दोस्तों, ये जो एडेड कॉलेज हैं इसमें ही 4000 भर्ती प्रक्रिया कराई जाएगी। इसमें शिक्षक और प्रधानाचार्यों की भर्ती होगी। जैसा कि आप सब जानते हैं दोस्तों, कि पहले जो एडेड स्कूलों में हुआ करता था वो BSA के अनुमोदन पर भर्ती हो जाया करता था, ठीक है। लेकिन इस बार धांधली की वजह से, वो हाईकोर्ट के हस्तक्षेप की वजह से अब लिखित परीक्षा कराई जाएगी। लिखित परीक्षा में धांधली होने के भी चांस कम रहेंगे। BSA के अनुमोदन भी नहीं होगा इसमें, केवल परीक्षा जो देगा, क्वालिफाई करेगा, उसी का इस बार चयन होगा। तो एडेड कॉलेजों में इस बार 4000 जो भर्ती प्रक्रिया होगा ही, उसमें शिक्षक और प्रधानाचार्य दोनों होंगे। मैं आपको न्यूज़ दिखा देता हूँ। अगर आपकी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको न्यूज़ मिल चुका है तो आप इस वीडियो बंद कर सकते हैं, अगर नहीं तो आप पूरा वीडियो देख लें क्या न्यूज़ निकल के आ रहा है, ठीक है दोस्तों। तो मैं आपको बता दूँ कि जो BSA का भर्ती होती तो अब नहीं होगी, अब लिखित परीक्षा के तहत कराया जाएगा। इस बार लिखित परीक्षा होगी एडेड स्कूलों में भर्ती के लिए। तो देखिए न्यूज़ में क्या दिया दोस्तों, इसमें देखें, इसमें लिखा गया है कि एडेड में, देखिए यहाँ पे, एडेड जूनियर हाई स्कूल में लगभग 4000 शिक्षकों व प्रधानाचार्य के पदों पर भर्ती के लिए लिखित परीक्षा की तैयारी शुरू हो गई है। यानी देखिए, पर तैयारी भी इसकी शुरू कर दी गई है, और इसके लिए बेसिक शिक्षा निदेशालय ने राज्य सरकार को परीक्षा कराने के लिए प्राधिकारी नामित करने का प्रस्ताव भी भेज दिया है। आप यहाँ देख सकते हैं, इसमें लिखा गया कि एडेड जूनियर हाई स्कूल में काफ़ी लंबे अरसे से, यहाँ पर देखें, सॉरी दोस्तों, यहाँ पर लिखा गया काफ़ी लंबे अरसे से नियुक्तियाँ नहीं हुई है। अभी कई पदों पर भर्ती उच्च न्यायालय के विचाराधीन है। अभी जो और पद हैं उसमें उच्च न्यायालय के अधीन अभी विचाराधीन है भर्ती प्रक्रिया, और जैसे ही उच्च न्यायालय का आदेश आता है तो कुछ और आप सभी के लिए पद सृजित कर दिए जाएंगे। तो अभी आगे देखिए, इसमें लिखा कि अभी तक ये भर्तियाँ BSA, ठीक है, के अनुमोदन से अपने स्तर पर कर लिया जाता था। यानी जो प्रबंधन होते थे और BSA अनुमोदन से भर्ती प्रक्रिया पूरी कर ली जाती थी, लेकिन अब इसमें देखिए, इसमें भ्रष्टाचार की शिकायतों को लगातार मिल रही थी। अब इन स्कूलों में भर्ती के लिए राज्य स्तर पर लिखित परीक्षा होगी, जिसका उत्तीर्णांक भी तय होगा। इसमें उत्तीर्णांक के साथ साथ लिखित परीक्षा कराई जाएगी, और इसमें क्वालिफाई हो सकता है कि कितना नंबर आपको पारी या परसेंटेज लेना पड़ेगा। आगे आप देखें, यहाँ लिखा है प्रदेश में, यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ लिखा है प्रदेश में 3049 एडेड जूनियर हाई स्कूल में, इसमें लगभग 4000 जो पद हैं खाली हैं। अभी नहीं, 4000 पदों को भरने के लिए ये परीक्षा कराई जाएगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।